రైళ్లు ప్రారంభించడం బాగుందన్నారు ప్యాసింజర్లు. ఢిల్లీ నుంచి ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు పని దొరక్క ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు సొంత రాష్ట్రాలకు వెళ్లిపోతున్నారు. గంటన్నర ముందే స్టేషన్లో ఉండాలన్న రూల్ ఉన్నప్పటికీ ఉదయాన్నే వచ్చి ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో ఎదురు చూశారు. సాయంత్రం తమ రైల్ స్టార్ట్ అవుతుందని నీళ్లు భోజనం అన్ని బ్యాగుల్లో సర్దుకుని వచ్చామన్నారు. మాస్క్లు వేసుకుని సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తామన్నారు ప్రయాణికులు. हम तो पटना जा रहे हैं बिहार. यहाँ पे हम उत्तम नगर में रहते हैं. उत्तम नगर में वही पढ़ाई करते थे. पढ़ाई यहाँ तक तो बहुत मुश्किल हुई है. आने में परेशानी हुई है. बहुत सी परेशानी हुई है. रास्ते में परेशानी हुई है. लेकिन आ गए हैं पैदल. पैदल कुछ चले हैं. एक घंटे तो पैदल ही चले हैं. उसके बाद तो आए हैं. उसके बाद ऑटो मिल गई है तो ऑटो वाले भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया है. खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ आए थे जिस मकसद से आए थे कि कुछ करेंगे. रेलवे की तैयारी के लिए आए थे तो वो तो हो नहीं पाए. दो महीना करीब रह गए और उसके बाद तो गांव जा रहे हैं. तो गांव में ही अब पढ़ेंगे. यहाँ तो अभी आएंगे नहीं. मेरे तो 4:45 पर है डिब्रूगढ़ जाएगी. पता तो था मेरे. मैं भी तो जानता था कि मेरे टिकट पे है. टाइम लिखी है 4:45 मेरी ट्रेन है. तो ऐसे मैं न्यूज में देखा था तो बताया था कि शाम को 2:90 पहले जाना है स्टेशन पे. तो मैं सोचा था जाऊंगा वहाँ पर कैसे. तो इसलिए मैं पहले घर से निकल चुका था. अभी तो मैं ये जाले लॉकडाउन था तो अभी तो पढ़ाई करते थे. अभी लॉकडाउन चालू था ताले यहीं थे. कुछ खाने उने का समय हुए नहीं था इसीलिए मैं जा रहा हूँ. अभी तो मैं रात से पैदल आया हूँ. सुबह 2 बजे से पैदल आया हूँ. खाने पीने के लिए रोटी पराठा भिजल है. अच्छा खुद बनाया था. हाँ खुशी नहीं है. पढ़ाई पूरे होने के बाद ही ना पता मम्मी पापा खुशी होगा. हाँ लेकिन अभी तो फंस गए थे ना. अब यहाँ पे भी तो पढ़ाई हो नहीं पा रही थी. जी अपने घर सुरक्षित रहेंगे. कल तो पटना उतार देगा. कल से वहाँ से गाड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है फिर वहाँ से जाने के लिए सोचना पड़ेगा. हम लोग थोड़ा एक प्राइवेट बैन किया था हम लोगों ने. उसके बाद दिल्ली बॉर्डर पर आए हम लोग. तो दिल्ली बार पुलिस आने नहीं दिया इस साइड. तो हम लोग फिर पैदल आए 5-6 किलोमीटर. फिर एक प्राइवेट वाहन वर्क किया हम लोगों ने. 1200 रुपये दिए उसके लिए. तो उसने हम लोगों को यहाँ दिल्ली स्टेशन तक छोड़ दिया. 1200 रुपये इसको दिए और उसको 1000 रुपये दिए थे हम लोगों ने. टिकट हम लोगों ने 1240 रुपये का हुआ है. हम लोग मारुति कंपनी में काम करते थे. तो हम लोगों का 7 महीने का था. 7 महीने हम लोगों के हो चुके थे. अब लॉकडाउन के कारण हम लोग फंसे हुए थे. हम लोगों के पास पैसा भी खत्म हो गया. रूम का किराया भाड़ा भी नहीं है. बस लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे. निकलना था हम लोगों को 10 मिनट में पूरा टिकट ओवर हो गया था. हाँ जी सर. तो हम लोगों ने पहले ही 4 बजे से इंतजार कर रहे थे. 4 बजे नहीं है.